हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल ईटिंग के बारे में। हमारा आहार जो है वो इमोशनली और मेंटली हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। वो कहते हैं ना, खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए। ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि जब भी कोई अपसेट रहता है तो उसे कुछ तो भी खाने की इच्छा रहती है, और वो सोचता है कि ऐसा करने से वो अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। ये ऐसा वक्त होता है जब हम सब कुछ भूलकर बहुत सारा खाना खा लेते हैं। और क्यों होता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा खाने से हम बेटर फील करेंगे, और इसी को हम इमोशनल ईटिंग कह सकते हैं। और इमोशनल ईटर्स जो रहते हैं उनको बिंज ईटिंग करने की भी ज़्यादा आदत रहती है, जो हफ्ते में बहुत बार बहुत सब कुछ सारा खाना जो है वो खा लेते हैं। और कई सारे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर बहुत सारा खा लेते हैं और खाने के बाद गिल्टी भी फील करते हैं। तो ये जो साइकिल है वो ऐसे ही शुरू रहता है। इमोशनल ईटिंग में ज़्यादातर लोग हाई कैलोरी फूड लेते हैं, जैसे कि चॉकलेट, स्वीट्स और फ्राइड फूड्स। और ऐसा खाने से इनमें कैलोरीज ज़्यादा रहती है, तो वज़न भी हमारा ज़्यादा बढ़ता है, और कई दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। जब आप अपसेट होते हैं और फूड क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो अब आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आप कुछ खाकर ट्रैक लूज ना करके वज़न नियंत्रण में रख सकते हैं। अब मैं आपको जो बातें बताऊंगी वो आपको आपकी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने में काम में आएगी। तो फर्स्ट थिंग इज कीप अ फूड नोटबुक। एक नोटबुक लेके आप दिन भर में क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं उसको नोट डाउन करें, और कौन से टाइम पे खा रहे हैं उसको भी लिख कर रखें। और इसके साथ ही आपकी इमोशंस क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, इन बातों को भी नोट डाउन करें। तो ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइम पे ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनसे स्ट्रेस कम होता है, जैसे कि ग्रीन टी में एल-थियानिन पाया जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और ज़्यादातर लेट नाइट्स में अगर फूड क्रेविंग्स हो रही है और नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे टाइम पे चेरीज या फिर ब्लूबेरीज खाएं, जिससे आपका मेलाटोनिन लेवल बढ़ेगा और आपको जल्दी से अच्छी नींद आ जाएगी। इसके साथ ही लहसुन, स्वीट पोटैटो, फैटी फिश, चिक पीस, ये पदार्थ जो है वो भी हमको स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्पफुल रहते हैं। थर्ड थिंग इज फाइंड ओवर वेज टू डी स्ट्रेस। के स्ट्रेस और निगेटिव थॉट्स को कम करने के लिए कुछ अलग मार्ग सोचे, यानी खाना छोड़कर कुछ नई एक्टिविटीज़ करने के बारे में ज़्यादातर सोचे। अगर आपको कुछ किताबें पढ़ने का शौक है और कोई किताब ज़्यादा पसंद है तो उस किताब को पढ़े, या फिर मूवी में इंटरेस्ट है तो एक आधी आपकी मनपसंद कॉमेडी मूवी रहती है उसको देखें। अगर म्यूज़िक पसंद है तो कुछ गाने सुने, ऐसा कुछ तो भी डिफरेंट ट्राई करें जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके। या फिर अगर कोई आपका फ्रेंड है, उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें। इसके साथ ही मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है, तो इन ऑप्शंस को ट्राई करें जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और आपकी जो इमोशनल ईटिंग है, बिंज ईटिंग है, या फिर फूड क्रेविंग्स है, इन सभी आदतों को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए इन सभी चीज़ों को फॉलो करें, जिससे आपको एक हेल्दी लाइफ मिल सकती है। बी ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।